minister to inspect the guard of honor. And when the inspection begins, the band positioned there will strike up a slow march. The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister now, through the Lahori Gate, will make his way up towards the ramparts of the Red Fort, from where the flag hoisting ceremony will take place and then the Prime Minister's address to the nation. Samman Garat ka nirikshan karne ke baad, Pradhan Mantri ab Lal Kile ki prachir ki or agrasar. विशाल और भव्य लाहौरी गेट प्रवेश के लिए काठ का पुल 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा लाहौरी गेट ऊंचा मेहराबदार दरवाजा दरवाजे की तीन मंजिलें हैं यहां से प्रवेश करने के बाद प्राचीर पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं अब तो यहां विशिष्ट व्यक्तियों के लिए लिफ्ट भी है शाहजहां ने जब लाल किला बनवाया था तब ये प्राचीर यहां नहीं थी इसे बाद में औरंगजेब ने बनवाया इसी दरवाजे के ऊपर प्राचीर पर पहली बार सन 1947 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था विशिष्ट दर्शक दीर्घा केंद्रीय मंत्री आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर Dignitaries in the VIP enclosures awaiting the arrival up to the ramparts of the Prime Minister. This is the first level of the ramparts. Raksha Mantri Rajnath Singh and the three service chiefs greeting the Prime Minister. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है लाल किले की प्राचीर पर प्रथम तल पर उनका स्वागत किया गया रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी के द्वारा विशिष्ट दर्शक दीर्घा जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य वरिष्ठ अधिकारीगण विदेशी राजनयिक सभी आज भारत के इस स्वाधीनता दिवस समारोह का हिस्सा बनने के लिए ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर उपस्थित हैं एक बहुत ही खास अवसर हर विशिष्ट व्यक्ति के लिए और हर उस आम नागरिक के लिए जो आज के इस स्वाधीनता दिवस समारोह का हिस्सा बन रहा है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है राष्ट्र की विकास यात्रा का हिस्सा बनकर राष्ट्र की प्रगति के पथ का एक अवशेष एक हिस्सा बनकर उससे जुड़कर द पीपल ऑफ अ डेमोक्रेसी इट्स इंजन्स इट्स ड्राइविंग फोर्स अ सैंपलिंग ऑफ Right from the ones with the power, the ones that empower, the governed and the governing, all present over here as India comes together to celebrate her 77th Independence Day.
with dignity, pride, respect and gratitude. And this is the unity in diversity, the street that epitomizes Chandni Chowk. लाल किले के सामने सर्वधर्म संभाव की अनूठी तस्वीर. लाल किले के ठीक सामने बाईं ओर श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी, जिसमें पक्षियों का चिकित्सालय भी है, उसी से लगा हुआ बराबर में उसके प्राचीन गौरी शंकर मंदिर. और ये दृश्य यहां सीधा चांदनी चौक की ओर. विशिष्ट दर्शक दीर्घाएं और लाल किले के बिल्कुल बाईं ओर भोजला पहाड़ी पर जामा मस्जिद, आर्य समाज मंदिर, गुरुद्वारा शीशगंज. लाल किले से शुरू होकर चांदनी चौक जहां समाप्त होता है, वहां फतेहपुरी मस्जिद. ये पूरा इलाका संदेश देता है धार्मिक संभाव का, सद्भाव का, और कहता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना. And this is just across the Red Fort. And when we see Chandni Chowk, it's very quiet today because it's a holiday today, a national holiday. But it's one of the oldest and busiest markets in Delhi. पिछले कुछ समय से इस समारोह में कुछ नए आयाम जोड़े गए हैं. और आज जैसा कि हम सब जानते हैं, आज के समारोह से आजादी का अमृत महोत्सव संपन्न होगा. और जैसे ही प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, भारतीय वायुसेना के दो उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर मार्क 3 ध्रुव यहां पुष्प वर्षा करते हुए उड़ान भरेंगे. पहले हेलीकॉप्टर में विंग कमांडर अंबर अग्रवाल और दूसरे में स्क्वाड लीडर हिमांशु शर्मा होंगे. 21 तोपों की सलामी लेफ्टिनेंट कर्नल विकास कुमार की कमान में दी जाएगी. नायब सूबेदार अनूप सिंह गन पोजीशन ऑफिसर होंगे. Foreign dignitaries, special invitees from the different embassies also here, regular presence. In fact, faces are also familiar for many of us who've been in India, the foreign dignitaries, so we see them, they come every year. Ye gaurav gatha hai. I think India is celebrated today across the world for its uniqueness, for its tolerance and its diversity in so many ways. There is always a lot of strength in gentleness. There is a lot of strength in acceptance. And there is a lot of sense which one sees as to how we slowly but completely integrate all those who have once been a part of India or are going to be a part of India. That's the beauty of our inclusivity. अनेकता में एकता, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म सर्वभाव, यही है हमारे देश की पहचान. भारत का स्वाधीनता दिवस समारोह, 77वां स्वतंत्रता दिवस, लाल किले के प्राचीर के ठीक सामने राष्ट्रीय ध्वज गार्ड गारद मौजूद है, जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के 5 अधिकारी और 128 सैन्यकर्मी मौजूद हैं. कमान संभाली है मेजर अभिनव देथा ने. सेना का जो कंटिंजेंट है उसको लीड कर रहे हैं मेजर मुकेश कुमार सिंह. नौसेना दस्ते की कमान संभाली है लेफ्टिनेंट कमांडर हरप्रीत मान ने. और वायुसेना कंटिंजेंट को लीड कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर श्रेय चौधरी. दिल्ली पुलिस के दस्ते की कमान संभाली है एडिशनल DCP शशांक जायसवाल ने. माननीय प्रधानमंत्री महोदय ध्वजारोहण करेंगे और राष्ट्रीय ध्वज गार्ड द्वारा राष्ट्रीय झंडे को सलामी दी जाएगी. 21 तोपों की सलामी, 8711 फील्ड बैटरी, जिसकी कमान लेफ्टिनेंट कर्नल विकास कुमार संभाल रहे हैं और गन पोजीशन ऑफिसर हैं नायब सूबेदार
अनूप सिंह। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन लाल किले की प्राचीर। Prime Minister Narendra Modi reaching the top level of the ramparts to address the nation. पहले ध्वजारोहण, राष्ट्रीय सलाम, सलामत राष्ट्र। भारतीय वायुसेना के दो उन्नत हेलीकॉप्टर मार्क III पुष्प वर्षा के लिए उपस्थित होते हुए यहाँ ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने कुछ ही क्षणों में वो पहुँचेंगे और पुष्प वर्षा करेंगे यहाँ उपस्थित जन समूह के ऊपर। विंग कमांडर अंबर अग्रवाल और स्क्वाड्रन लीडर हिमांशु शर्मा इन दो हेलीकॉप्टर्स में उपस्थित, जिन्होंने हिंडन एयरबेस से उड़ान भरी है। उपस्थित जनसमूह आह्लादित है, प्रसन्न है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी स्वयं अभिवादन कर रहे हैं इन एयर वॉरियर्स का, इन जांबाजों का, जिन्होंने देश की वायुसेनाओं की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और यहाँ स्वाधीनता दिवस समारोह को एक पुष्पित कलेवर प्रदान करते हुए। The ceremonial red and gold flower petals being showered from the air warriors up in the sky. And here, the national flag guard marching off, commanded by Major Abhinav Detha. And in a short while from now, the Prime Minister will address the nation. मेरे प्रिय 140 करोड़ परिवारजन, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और अब बहुत लोगों का अभिप्राय है कि जनसंख्या की दृष्टि से भी हम विश्व में नंबर एक पर है।
इतना बड़ा विशाल देश, 140 करोड़ देश के मेरे भाई बहन, मेरे परिवारजन आज आजादी का पर्व मना रहे हैं। मैं देश के कोटि कोटि जनों को, देश और दुनिया में भारत को प्यार करने वाले, भारत का सम्मान करने वाले, भारत का गौरव करने वाले कोटि कोटि जनों को आजादी के इस महान पवित्र पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे परिवारजन, पूज्य बापू के नेतृत्व में असहयोग का आंदोलन, सत्याग्रह की मूवमेंट और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे अनगिनत वीरों का बलिदान उस पीढ़ी में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने देश की आजादी में अपना योगदान न दिया हो। मैं आज देश की आजादी के जंग में जिन जिन ने योगदान दिया है, बलिदान दिए हैं, त्याग किया है, तपस्या की है, उन सबको आदरपूर्वक नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आज 15 अगस्त महान क्रांतिकारी और अध्यात्म जीवन के ऋषितुल्य प्रणेता श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती पूर्ण हो रही है। ये वर्ष स्वामी दयानंद सरस्वती के 150वीं जयंती का वर्ष है। ये वर्ष रानी दुर्गावती के 500वीं जन्मशती का बहुत ही पवित्र अवसर है, जो पूरा देश बड़े धामधूम से मनाने वाला है। ये वर्ष मीराबाई भक्ति योग की सिरमौर मीराबाई के 525 वर्ष का भी ये पावन पर्व है। ये बार जो 26 जनवरी हम मनाएंगे वो हमारे गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ होगी। अनेक प्रकार से, अनेक अवसर, अनेक संभावनाएं राष्ट्र निर्माण में जुटे रहने के लिए पल पल नई प्रेरणा, पल पल नई चेतना, पल पल सपने, पल पल संकल्प, शायद इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता। मेरे प्यारे परिवारजन, इस बार प्राकृतिक आपदा ने देश के अनेक हिस्सों में अकल्पनीय संकट पैदा किए। जिन परिवारों ने इस संकट में सहन किया है, मैं उन सभी परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और राज्य केंद्र सरकार मिलकर के उन सभी संकटों से जल्दी से मुक्त होकर के फिर तेज गति से आगे बढ़ेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। मेरे प्यारे परिवारजनों, पिछले कुछ सप्ताह नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं।
देश मणिपुर के लोगों के साथ है, देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाए और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, करती रहेगी। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम इतिहास की तरफ नजर करते हैं तो इतिहास में कुछ पल ऐसे आते हैं जो अपनी अमीट छाप छोड़ करके जाते हैं और उसका प्रभाव सदियों तक रहता है और कभी कभी शुरुआत में वो बहुत छोटा लगता है, छोटी सी घटना लगती है, लेकिन वो अनेक समस्याओं की जड़ बन जाती है। हमें याद है 1200 साल पहले इस देश पर आक्रमण हुआ, एक छोटे से राज्य के छोटे से राजा का पराजय हुआ, लेकिन तब पता तक नहीं था कि एक घटना भारत को 1000 साल की गुलामी में फंसा देगी। और हम गुलामी में जकड़ते गए, जो आया लूटता गया, जो जिसका मन चाहा हम पे आके सवार हो गया। कैसा विपरीत काल रहा होगा वो 1000 साल का। मेरे प्यारे परिवारजनों, घटना छोटी क्यों ना हो लेकिन 1000 साल तक प्रभाव छोड़ के रही है। लेकिन मैं आज इस बात का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि भारत के वीरों ने इस कालखंड में कोई भूभाग ऐसा नहीं था, कोई समय ऐसा नहीं था जब उन्होंने देश की आजादी के लौ को गलता न रखा हो, बलिदान की परंपरा न बनाई। मां भारती बेड़ियों से मुक्त होने के लिए उठ खड़ी हुई थी, जंजीरों को झकझोर रही थी और देश की नारी शक्ति, देश की युवा शक्ति, देश के किसान, देश के गांव के लोग, मजदूर, कोई हिंदुस्तानी ऐसा नहीं था जो आजादी के सपने को लेकर के जीता न हो, आजादी को पाने के लिए मर मिटने के लिए तैयार होने वालों की एक बड़ी फौज तैयार हो गई थी। जेलों में जवानी खपाने वाले अनेक महापुरुष हमारे देश की आजादी को, इन गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए लगे हुए थे। मेरे प्यारे परिवारजनों, जन चेतना का वो व्यापक रूप, त्याग और तपस्या का वो व्यापक रूप जन जन के अंदर एक नए विश्वास जगाने वाला वो पल आखिरकार 1947 में देश आजाद हुआ। 1000 साल की गुलामी में संजोए हुए सपने देशवासी पूरे करते हुए देखे। साथियों, मैं 1000 साल पहले की बात इसलिए कह रहा हूं, मैं देख रहा हूं फिर एक बार देश के सामने एक मौका आया है। इस ऐसे कालखंड में हम जी रहे हैं, ऐसे कालखंड में हमने प्रवेश किया है और यह हमारा सौभाग्य है कि भारत के ऐसे अमृत काल में, यह अमृत काल का पहला वर्ष है, या तो हम जवानी में जी रहे हैं या हम मां भारती की गोद में जन्म ले चुके हैं। और ये कालखंड, मेरे शब्द लिख करके रखिए मेरे प्यारे परिवारजनों, इस कालखंड में जो हम करेंगे, जो कदम उठाएंगे, जितना त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय एक के बाद एक फैसले लेंगे, आने वाले 1000 साल का देश का स्वर्णिम इतिहास उससे अंकुरित होने वाला है।
इस कालखंड में होने वाली घटनाएं आगामी 1000 साल के लिए इसका प्रभाव पैदा करने वाली है। गुलामी की मानसिकता से बाहर निकला हुआ देश पंच प्राण को समर्पित होकर के एक नए आत्मविश्वास के साथ आज आगे बढ़ रहा है। नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए वो जी जान से जुड़ रहा है। मेरी भारत माता जो कभी ऊर्जा का सामर्थ्य था लेकिन राख के ढेर में दबी पड़ी थी, वो भारत मां 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ है। उनकी चेतना से, उनकी ऊर्जा से फिर एक बार जागृत हो चुकी है मां भारती, जागृत हो चुकी है। और मैं साफ देख रहा हूं दोस्तों, यही कालखंड है, पिछले 9-10 साल हमने अनुभव किया है। विश्व भर में भारत की चेतना के प्रति, भारत के सामर्थ्य प्रति एक नया आकर्षण, नया विश्वास, नई आशा पैदा हुई है। और ये प्रकाश पुंज जो भारत से उठा है वो विश्व को उसमें अपने लिए ज्योति नजर आ रही है। विश्व को एक नया विश्वास पैदा हो रहा है। हमारा सौभाग्य है, कुछ ऐसी चीजें हमारे पास हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी है और वर्तमान कालखंड ने गढ़ी है। आज हमारे पास डेमोग्राफी है, आज हमारे पास डेमोक्रेसी है, आज हमारे पास डाइवर्सिटी है। डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की ये त्रिवेणी भारत के हर सपने को साकार करने का सामर्थ्य रखती है। आज पूरे विश्व में लोग, वहां देशों की उम्र ढल रही है, ढलाव पर है, तब भारत युवान की तरफ ऊर्जावान होकर के बढ़ रहा है। कितने बड़े गौरव का कालखंड है कि आज 30 साल की कम आयु की जनसंख्या दुनिया में सर्वाधिक कहीं है तो ये मेरे भारत मां की गोद में है, ये मेरे देश में है। और 30 साल से कम उम्र की नौजवान हो मेरे देश के पास हो, कोटि कोटि भुजाएं हो, कोटि कोटि मस्तिष्क हो, कोटि कोटि सपने, कोटि कोटि संकल्प हो, तो भाइयों बहनों, मेरे प्रिय परिवारजनों, हम इच्छित परिणाम प्राप्त करके रह सकते हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, देश का भाग्य ऐसी घटनाएं बदल देती है, यह सामर्थ्य देश के भाग्य को बदल देता है। भारत 1000 साल की गुलामी और आने वाले 1000 साल के भव्य भारत के बीच में पड़ाव पर हम खड़े हैं, एक ऐसी संधि पर खड़े हैं। और इसलिए अब हमें न रुकना है, न दुविधा में जीना है। मेरे प्यारे प्रिय परिवारजनों, हमें खोई हुई उस विरासत का गर्व करते हुए, खोई हुई समृद्धि को प्राप्त करते हुए हमें फिर एक बार, और ये बात मान के चले, हम जो भी करेंगे, हम जो भी कदम उठाएंगे, हम जो भी फैसला लेंगे, वो अगले 1000 साल तक अपनी दिशा निर्धारित करने वाला है, भारत के भाग्य को लिखने वाला है। मैं आज मेरे देश के नौजवानों को, मेरे देश की बेटे बेटियों को ये जरूर कहना चाहूंगा, जो सौभाग्य आज मेरे युवाओं को मिला है, ऐसा सौभाग्य शायद ही किसी के नसीब होता है जो आपके नसीब हुआ है। और इसलिए हमें ये घमाना नहीं है, युवा शक्ति पर मेरा भरोसा है।
युवा शक्ति में सामर्थ्य है और हमारी नीतियां हमारी रीतियां भी उस युवा सामर्थ्य को और बल देने के लिए है। आज मेरे युवाओं ने दुनिया में पहले 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत को स्थान दिला दिया है। विश्व के युवाओं को अचंभा हो रहा है भारत के इस सामर्थ्य को लेकर के, भारत की इस ताकत को देख करके। आज दुनिया टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और आने वाला युग टेक्नोलॉजी से प्रभावित रहने वाला है और तब टेक्नोलॉजी में भारत की जो टैलेंट है उसकी एक नई भूमिका रहने वाली है। साथियों, मैं पिछले दिनों G20 समिट में बाली गया था और बाली में दुनिया के समृद्ध समृद्ध देश, दुनिया के विकसित देश भी, उनके मुखिया मुझे भारत की डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए बारीकियों से जानने के लिए इच्छुक थे। हर कोई इसका सवाल पूछता था और जब मैं उनको कहता था कि भारत ने जो कमाल किया है ना, वो दिल्ली मुंबई चेन्नई तक सीमित नहीं है, भारत ने जो कमाल कर रहा है, मेरे टियर 2 टियर 3 सिटी के युवा भी आज मेरे देश का भाग्य घड़ रहे हैं, छोटे छोटे स्थान के मेरे नौजवान। और मैं आज बड़े विश्वास से कहता हूं, देश का ये जो सामर्थ्य नया नजर आ रहा है, और इसलिए मैं कहता हूं, हमारे छोटे शहर आकार और आबादी में छोटे हो सकते हैं, ये हमारे छोटे छोटे शहर हमारे कस्बे आकार और आबादी में छोटे हो सकते हैं, लेकिन आशा और आकांक्षा, प्रयास और प्रभाव वो किसी से कम नहीं है, वो सामर्थ्य उनके अंदर है। नए ऐप्स, नए सॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी डिवाइस, अब खेलों की दुनिया देखिए, कौन बच्चे हैं, झुग्गी झोंपड़ी से निकले हुए बच्चे आज खेलों की दुनिया में पराक्रम दिखा रहे हैं। छोटे छोटे गांव के, छोटे छोटे कस्बे के नौजवान, हमारी बेटे बेटियां आज कमाल दिखा रही है। अब देखिए, मेरे देश की 100 जितनी स्कूल ऐसी हैं जहां के बच्चे सैटेलाइट बना करके सैटेलाइट छोड़ने की तैयारियां कर रही है। आज हजारों टिंकरिंग लैब नए वैज्ञानिकों का गर्भाधान कर रही है। आज हजारों टिंकरिंग लैब लाखों बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी के राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रही है। मैं मेरे देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, अवसरों की कमी नहीं है, आप जितने अवसर चाहेंगे ये देश आसमान से भी ज्यादा अवसर आपने देने का सामर्थ्य रखता है। मैं आज लाल किले की प्राचीर से मेरे देश की माताओं बहनों, मेरे देश की बेटियों को हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। देश आज जब पहुंचा है, अब विशेष शक्ति जुड़ रही है मेरी माताओं बहनों के सामर्थ्य की। आज देश प्रगति की राह पर चल पड़ा है, तो मैं मेरे किसान भाई बहनों का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। यह आप ही का पुरुषार्थ है, यह आप ही का परिश्रम है कि देश आज कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मैं मेरे मजदूरों का, मेरे श्रमिकों का, मेरे प्रिय परिवारजन, ऐसे कोटि कोटि श्रमिकों को आज मैं नमन करता हूं, उनका अभिनंदन कर रहा हूं। देश आज जो आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, विश्व की तुलना करने वाले सामर्थ्य के साथ नजर आ रहा है, उसके पीछे मेरे देश के मजदूरों का, मेरे देश के श्रमिकों का बहुत बड़ा योगदान है। आज समय कहता है कि लाल किले की प्राचीर से मैं उनका अभिनंदन करूं, उनका अभिवादन करूं। और ये मेरे परिवारजन 140 करोड़ देशवासी, मेरे इन श्रमिकों का, रेहड़ी पटरी वालों का, फूल सब्जी बेचने वालों का हम सम्मान करते हैं। मेरे देश को आगे बढ़ाने में, मेरे देश को प्रगति की नई ऊंचाई पर ले जाने में प्रोफेशनल्स की बहुत बड़ी भूमिका है, बढ़ती रही है।
चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, नर्सिस हो, शिक्षक हो, आचार्य हो, यूनिवर्सिटीज हो, गुरुकुल हो, हर कोई मां भारती का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत से लगा हुआ है। मेरे प्यारे परिवारजनों, राष्ट्रीय चेतना वो एक ऐसा शब्द है जो हमें चिंताओं से मुक्त कर रहा है, और आज वो राष्ट्रीय चेतना ये सिद्ध कर रही है कि भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है भरोसा, भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है विश्वास। जन जन में हमारा विश्वास, जन जन का सरकार पर विश्वास, जन जन का देश के उज्जवल भविष्य पर विश्वास, और विश्व का भी भारत के प्रति विश्वास। ये विश्वास हमारी नीतियों का है, हमारी रीति का है। भारत के उज्जवल भविष्य को जिस निर्धारित मजबूत कदमों से हम आगे बढ़ा रहे उसका है। भाइयों बहनों, मेरे प्यारे परिवारजनों, ये बात निश्चित है कि भारत का सामर्थ्य और भारत की संभावनाएं विश्वास की नई बुलंदियों को पार करने वाली है, और ये विश्वास की नई बुलंदियां नए सामर्थ्यों को लेकर के चलनी चाहिए। आज देश में G20 समिट के मेहमान नवाजी का भारत को अवसर मिला है। अब पिछले एक साल से हिंदुस्तान के हर कोने में जिस प्रकार से G20 के अनेक ऐसे आयोजन हुए, अनेक कार्यक्रम हुए हैं, उसने देश के सामान्य मानवीय के सामर्थ्य को विश्व को परिचित करा दिया है, भारत की विविधता का परिचय कराया है, भारत की डायवर्सिटी को दुनिया अचंभे से देख रही है, और उसके कारण भारत के तरफ आकर्षण बढ़ा है, भारत को जानने की समझने की इच्छा जगी है। उसी प्रकार से आप देखिए एक्सपोर्ट, आज भारत का एक्सपोर्ट के तेजी से बढ़ रहा है, और मैं कहना चाहता हूं दुनिया के एक्सपर्ट्स इन सारे मानदंडों के आधार पर कह रहे हैं कि अब भारत रुकने वाला नहीं है। दुनिया की कोई भी रेटिंग एजेंसी होगी वो भारत का गौरव कर रही है। कोरोना काल के बाद दुनिया एक नए सिरे से सोचने लगी, और मैं विश्वास से देख रहा हूं कि जिस प्रकार से द्वितीय महायुद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार लिया था, मैं साफ साफ देख रहा हूं कि कोरोना के बाद एक नया विश्व ऑर्डर, एक नया ग्लोबल ऑर्डर, एक नया जियोपॉलिटिकल इक्वेशन ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जियोपॉलिटिकल इक्वेशन की सारे व्याख्याएं बदल रही है, परिभाषाएं बदल रही है, और मेरे प्यारे परिवारजनों, आप गौरव करेंगे, बदलते हुए विश्व को शेप देने में आज मेरे 140 करोड़ देशवासियों आपका सामर्थ्य नजर आ रहा है। आप निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं, और कोरोना काल में भारत ने जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ाया, दुनिया ने हमारे सामर्थ्य को देखा है। जब दुनिया के सप्लाई चेन तहस नहस हो गई थी, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव था, उस समय भी हमने कहा था हमें विश्व का विकास देखना है तो मानव केंद्रीय होना चाहिए, मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ होना चाहिए, और तब जाकर के समस्याओं का सही समाधान निकालेंगे। और कोविड ने हमें सिखाया है या हमें मजबूर किया है, लेकिन मानवीय संवेदनाओं को छोड़ करके
हम विश्व का कल्याण नहीं कर सकते। आज भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है। भारत की समृद्ध विरासत आज दुनिया के लिए एक अवसर बन रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल सप्लाई चेन, उसमें भारत की हिस्सेदारी, मैं पक्का विश्वास से कहता हूं, आज जो भारत ने परिस्थिति पैदा हुई, आज जो भारत ने कमाया है, वो दुनिया में स्थिरता की गारंटी लेकर के आया है दोस्तों। अब न हमारे मन में, न 140 करोड़ मेरे परिवारजनों के मन में और न ही दुनिया के मन में कोई इफ्स है, कोई बट्स है। विश्वास बन चुका है मेरे प्यारे देशवासियों, अब गेंद हमारे पाले में है। हमें अवसर जाने नहीं देना चाहिए, हमें मौका छोड़ना नहीं चाहिए। भारत में मैं मेरे देशवासियों का इसलिए भी अभिनंदन करता हूं कि मेरे देशवासियों में एक निरक्षीर विवेक का सामर्थ्य है, समस्याओं की जड़ों को समझने का सामर्थ्य है। और इसलिए 2014 में मेरे देशवासियों ने 30 साल के अनुभव के बाद तय किया कि देश को आगे ले जाना है तो स्थिर सरकार चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए, पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए। और देशवासियों ने एक मजबूत और स्थिर सरकार बनाई। और 3 दशकों के जो अनिश्चितता का कालखंड था, जो अस्थिरता का कालखंड था, जो राजनीतिक मजबूरियों से देश जकड़ा हुआ था, उससे मुक्ति मिली है। मेरे प्यारे परिवारजनों, देश के पास आज एक ऐसी सरकार है, वो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, देश के संतुलित विकास के लिए समय का पल पल और जनता की पाई पाई जनता की भलाई के लिए लगा रही है। और मेरी सरकार, मेरे देशवासियों का मन एक बात से जुड़ा हुआ है, हमारे हर निर्णय, हमारे हर दिशा, उसका एक ही मानदंड है, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। और राष्ट्र प्रथम यही दूरगामी परिणाम, सकारात्मक परिणाम पैदा करने वाला है। देश में बड़े स्तर पर काम हो रहा है। और लेकिन मैं कहना चाहूंगा, 2014 में आपने एक मजबूत सरकार बनाई। और मैं कहता हूं, 2014 में और 2019 में आपने एक सरकार फॉर्म की, तो मोदी में रिफॉर्म करने की हिम्मत आई। आपने ऐसी सरकार फॉर्म की कि मोदी को रिफॉर्म की हिम्मत आई। और जब मोदी ने एक के बाद एक रिफॉर्म किए, तो मेरे ब्यूरोक्रेसी के लोग, मेरे लाखों हाथ पैर जो हिंदुस्तान के कोने कोने में सरकार के हिस्से के रूप में काम कर रहे हैं, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी ने ट्रांसफॉर्म करने के लिए, परफॉर्म करने की जिम्मेवारी बखूबी निभाई। और उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया और जनता जनार्दन जुड़ गई, तो वो ट्रांसफॉर्म होता भी नजर आ रहा है। और इसलिए रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये कालखंड अब भारत के भविष्य को गढ़ रहा है। और हमारी सोच देश की उस ताकतों को बढ़ावा देने पर है जो आने वाले 1000 साल की नींव को मजबूत करने वाले। दुनिया को युवा शक्ति की जरूरत है, युवा स्किल की जरूरत है। हमने अलग स्किल मिनिस्ट्री बनाई, वो भारत की आवश्यकताओं को तो पूरी करेगी, वो दुनिया की आवश्यकताओं को पूरी करने का भी सामर्थ्य रखेगी। हमने जल शक्ति मंत्रालय बनाया। मंत्रालय की बनाने की रचना को भी अगर कोई एनालिसिस करेगा ना, तो इस सरकार के मन मस्तिष्क को बड़े अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे। हमने जल शक्ति मंत्रालय बनाया। ये जल शक्ति मंत्रालय हमारा
हमारे देश के एक एक देशवासियों को पीने का शुद्ध पानी पहुंचे, पर्यावरण की रक्षा के लिए पानी के प्रति संवेदनशील व्यवस्थाएं विकसित हो, उस पर हम बल रहे हैं। हमारे देश में कोरोना के बाद दुनिया देख रही है, होलिस्टिक हेल्थ केयर ये समय की मांग है। हमने अलग आयुष मंत्रालय बनाया और योग और आयुष आज दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। हमने दुनिया को हमारे कमिटमेंट के कारण विश्व का हमारे प्रति ध्यान गया है। अगर हम ही हमारे इस सामर्थ्य को नकार देंगे तो फिर दुनिया कैसे स्वीकार करेगी। लेकिन जब मंत्रालय बना तो दुनिया को भी उसका मूल्य समझने आया। मत्स्य पालन, हमारा इतना बड़ा समुद्री तट, हमारे कोटि कोटि मछुआरे भाई बहन, उनका कल्याण भी हमारे दिलों में है और इसलिए हमने अलग से मत्स्य पालन को लेकर के, पशुपालन को लेकर के, डेयरी को लेकर के अलग मंत्रालय की रचना की, ताकि समाज के जिस वर्ग के लोग पीछे रह गए उनको हम साथ दें। देश में सरकारी अर्थव्यवस्था के हिस्से होते हैं, लेकिन समाज की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है कोऑपरेटिव मूवमेंट। उसको बल देने के लिए, उसको आधुनिकता लाने के लिए और देश के कोने कोने में लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी इकाई को मजबूत करने के लिए हमने अलग कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया और वो हमारी सहकारी संस्थाएं उसका जाल बिछा रहा है, ताकि गरीब से गरीब की वहां सुनवाई हो, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो और वो भी राष्ट्र के विकास की योगदान में एक छोटी इकाई का हिस्सा बनकर के उसमें वो योगदान दे रखें। हमने सहकार से समृद्धि का रास्ता अपनाया है। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम लोग 14 में आए थे तो हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर थे और आज 140 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ रंग लाया है कि हम विश्व की अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। और ये ऐसे ही नहीं हुआ है, जो एक भ्रष्टाचार का राक्षस देश को दबोचे हुए थे, लाखों करोड़ के घोटाले अर्थव्यवस्था को डामाडोल कर रहे थे, गवर्नेंस फ्रेजाइल फाइल में देश की पहचान होने लगी थी, लीकेजेस को हमने बंद किया, मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई, हमने गरीब कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा धन खर्चने का प्रयास किया। और आज मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं कि जब देश आर्थिक रूप से समृद्ध होता है तो सिर्फ तिजोरी नहीं भरती है, देश का सामर्थ्य बढ़ता है, देशवासियों का सामर्थ्य बढ़ता है। और तिजोरी का पाई पाई अगर ईमानदारी से जनता जनार्दन के लिए खर्च करने का संकल्प लेने वाली सरकार हो तो परिणाम के साथ है। मैं 10 साल का हिसाब तिरंगे की साक्षी में लाल किले की प्राचीर से मेरे देशवासियों को दे रहा हूं। आंकड़े देख करके आपको लगेगा इतना बड़ा बदलाव, इतना बड़ा सामर्थ्य। 10 साल पहले राज्यों को 30 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार की तरफ से जाते थे, पिछले 9 साल में यह आंकड़ा 100 लाख करोड़ पर पहुंचा है। पहले स्थानीय निकाय के विकास के लिए भारत सरकार के खजाने से 70,000 करोड़ रुपया जाता था, आज वो 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा जा रहा है। पहले गरीबों के घर बनाने के लिए 90,000 करोड़ रुपया खर्च होता था, आज वो 4 गुना होकर के 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्च गरीबों के घर बनाने के लिए हो रहा है। पहले गरीबों को यूरिया सस्ता मिले, जो यूरिया की बैग दुनिया के कुछ बाजारों में 3,000 में बिकती है, वो यूरिया की बैग मेरे किसानों को 300 में मिले। और इसलिए देश की सरकार 10 लाख करोड़ रुपया
मेरे किसानों की यूरिया में सब्सिडी दे रहा है। मुद्रा योजना 20 लाख करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा मेरे देश के नौजवानों को स्वरोजगार के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने कारोबार के लिए दिए हैं। 8 करोड़ लोगों ने नया कारोबार शुरू किया है, और 8 करोड़ लोगों ने कारोबार शुरू किया है तो नहीं, हर कारोबारी ने एक या दो लोगों को रोजगार दिया है। 8 से 10 करोड़ नए लोगों को रोजगार देने का सामर्थ्य ये मुद्रा योजना से लाभ लेने वाले 8 करोड़ नागरिक को करा है। एमएसएमई को करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए की मदद से कोरोना के संकट में भी उनको डूबने नहीं दिया। भारत का भाग्य बदलने के लिए हो और इसलिए हमने काम किया है। और मेरे प्यारे प्रियजनों, इतना ही नहीं, हमने इन सारे प्रयासों का परिणाम है कि आज 5 साल के मेरे कार्यकाल में, 5 साल में 13.5 करोड़ मेरे गरीब भाई बहन गरीबी की जंजीरों को तोड़ करके न्यू मिडिल क्लास के रूप में बाहर आए हैं। जीवन का इससे बड़ा कोई संतोष नहीं होता। मेरे प्यारे प्रिय परिवारजनों, और जब 13.5 करोड़ लोग गरीबी की इस मुसीबतों से बाहर निकलते हैं तो कैसी कैसी योजनाएं उनको मदद दी है, उनको आवास योजना का लाभ मिलना, पीएम स्वनिधि से 50,000 करोड़ रुपया रेहड़ी पटरी वालों तक पहुंचाया है। आने वाले दिनों में, आने वाली विश्वकर्मा जयंती पर एक कार्यक्रम हम आगे लागू करेंगे। इस विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13 गरीब को बीमारी के कारण अस्पताल जाने से जो मुसीबत होती थी उसको मुक्ति दिलाना, उसको दवाई मिले, उसका उपचार हो, ऑपरेशन हो, अच्छे से अच्छी अस्पताल में हो, आयुष्मान भारत योजना के तहत 70,000 करोड़ रुपए हमने लगाए हैं। पशुधन, देश ने कोरोना वैक्सीन की बात तो देश को याद है, 40,000 करोड़ रुपए लगाए, वो तो याद है, लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी हमने पशुधन को बचाने के लिए करीब करीब 15,000 करोड़ रुपया पशुधन के टीकाकरण के लिए लगाया है। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे परिवारजनों, जन औषधि केंद्रों ने देश के सीनियर सिटीजन्स को, देश के मध्यम वर्ग के परिवार को एक नई ताकत दी है। जिस संयुक्त परिवार में अगर किसी को एक डायबिटीज जैसा हो जाए, 2-3 हजार रुपया दवाई का बिल स्वाभाविक हो जाता है। हमने जन आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है, देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा, ये पक्का जगह ले लेगा। आज जो 13.5 करोड़ गरीबी से बाहर आए हुए लोग हैं, वो एक प्रकार से मध्यम वर्ग की ताकत बन जाते हैं। जब गरीब की खरीद शक्ति बढ़ती है तो मध्यम वर्ग की व्यापार शक्ति बढ़ती है, जब गांव की खरीद शक्ति बढ़ती है तब कस्बे और शहर की आर्थिक व्यवस्था और तेज गति से दौड़ती है, और यही इंटरकनेक्टेड हमारा अर्थचक्र होता है। हम उसको बल लेकर के आगे चलना चाहते हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, शहर के अंदर जो कमजोर लोग रहते हैं, बिना घर को मुसीबत रहती है, मध्यम वर्ग के परिवार अपना खुद का घर का सपना देख रहे हैं, हम उसके लिए भी आने वाले कुछ सालों के लिए एक योजना लेकर के आ रहे हैं, और जिसमें ऐसे मेरे परिवारजन जो शहरों में अपना घर शहरों में रहते हैं लेकिन किराए के मकान पर रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, चाल में रहते हैं, अनऑथोराइज कॉलोनीज में रहते हैं, ऐसे मेरे परिवारजन अगर अपना मकान बनाना चाहते हैं तो बैंक से जो लोन मिलेगा उसके ब्याज के अंदर राहत को महंगाई ने जकड़ के रखा है। लेकिन मेरे प्यारे परिवारजनों, भारत ने
महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए बरसक प्रयास किए। पिछले कालखंड की तुलना में हमें कुछ सफलता भी मिली है, लेकिन इतने से संतोष नहीं मान सकते। दुनिया से हमारी चीजें अच्छी है, इतने बात से हम सोच नहीं सकते। मुझे तो मेरे देशवासियों को महंगाई की बोझ कम से कम हो, इस दिशा में और भी कदम उठाने हैं और हम उस कदम को उठा के रहेंगे। मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। मेरे प्यारे परिवारजनों, आज देश अनेक क्षमताओं को लेकर के आगे बढ़ रहा है। देश आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ने के लिए काम कर रहा है। आज देश रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहा है। आज देश ग्रीन हाइड्रोजन पे काम कर रहा है। देश की स्पेस पे क्षमता बढ़ रही है, तो देश की डीप सी मिशन में भी सफलता के साथ आगे चल रहा है। देश में रेल आधुनिक हो रही है, तो वंदे भारत बुलेट ट्रेन भी आज देश के अंदर काम कर रही है। गांव-गांव पक्की सड़कें बन रही है, तो इलेक्ट्रिक बसें मेट्रो की रचना भी आज देश में हो रहे हैं। आज गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंच रहा है, तो क्वांटम कंप्यूटर के लिए भी देश तय कर रहता है। नैनो यूरिया नैनो डीएपी उस पर काम हो रहा है, तो दूसरी तरफ जैविक खेती पर भी हम बल दे रहे हैं। आज किसान उत्पादक संघ एफपीओ का निर्माण हो रहा है, तो हम सेमीकंडक्टर का भी निर्माण करने के लिए चाह रहे हैं। हम दिव्यांग जनों के लिए एक सुगम भारत के निर्माण के लिए काम करते हैं, तो हम पैरालंपिक में भी हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा गाड़ने के लिए मेरे दिव्यांग जनों को सामर्थ्यवान बना रहे हैं। हम खिलाड़ियों को स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज भारत पुरानी सोच पुराने ढरे को छोड़ करके लक्ष्यों को तय करके लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा से चल रहा है। और जब मैं कहता हूं ना कि जिसका शिलान्यास हमारी सरकार करती है, उसका उद्घाटन भी हमारे कालखंड में करते हैं। इन दिनों जो मैं शिलान्यास कर रहा हूं ना, आप लिख के रखिए, उसके उद्घाटन भी आप सबने मेरे नसीब में ही छोड़े हुए हैं। हमारी कार्य संस्कृति बड़ा सोचना, दूर का सोचना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सोचना, यह हमारी कार्यशैली रही है। और सोच से भी ज्यादा, संकल्प से भी ज्यादा हासिल कैसे करना, इस ऊर्जा के साथ हम काम करते हैं। हमने आजादी के काल अमृत महोत्सव में 75,000 अमृत सरोवर बनाने का संकल्प किया था। उस समय हमने हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का संकल्प किया था। करीब 50-55 हजार अमृत सरोवर की कल्पना की थी, लेकिन आज करीब करीब 75 हजार अमृत सरोवर का काम निर्माण हो रहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ा काम हो रहा है। जनशक्ति और जल शक्ति की ताकत भारत के पर्यावरण की रक्षा में भी काम आने वाली है। 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाना, जन तक बैंक खाते खोलना, बेटियों के लिए शौचालय बनाना, सारे टारगेट समय के पहले पूरी शक्ति से पूरे करेगा। और जब भारत ठान लेता है तो उसे पूरा करके रहता है, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कहता है। 200 करोड़ वैक्सीनेशन का काम दुनिया हमें जब पूछती है, 200 करोड़ सुनती है, उनकी आंखें फट जाती हैं। इतना बड़ा काम ये मेरे देश के आंगनवाड़ी वर्कर, हमारी आशा वर्कर, हमारी हेल्थ वर्कर, उन्होंने करके दिखाया। यह मेरे देश का सामर्थ्य है। काम करने वाली सरकार है, निर्धारित लक्ष्यों को पार करने वाली सरकार है। ये नया भारत है, ये आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है। ये संकल्पों को चरितार्थ करने के लिए जी जान से जुटा हुआ भारत है। और इसलिए ये भारत न रुकता है, ये भारत न थकता है, ये भारत न हांफता है, और न ही ये भारत हारता है। और इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, आर्थिक शक्ति बढ़ी है तो हमारी सामरिक शक्ति को भी एक नई ताकत मिली है। हमारी सीमाएं पहले से अधिक सुरक्षित हुई है।
और मेरे सीमा पर बैठे हुए मेरे जवान जो देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, और मेरे देश के आंतरिक सुरक्षा के संभालने वाले यूनिफॉर्म फोर्सेस, मैं आजादी के इस पावन पर्व पर उनको भी अनेक अनेक बधाई देते हुए मेरी बात को आगे बढ़ाता हूं। सेना का अधिकरण हो, हमारी सेना युवा बने, हमारी सेना बैटल के लिए रेडी, युद्ध योग्य बने, इसलिए निरंतर रिफॉर्म का काम आज हमारी सेना में हो रहा है। मेरे प्यारे परिवारजनों, आए दिन हम लोग सुना करते थे, यहां बम धमाका हुआ, वहां बम धमाका हुआ, हर जगह पे लिखा हुआ रहता था कि इस बैग को मत छूना, अनाउंसमेंट होते रहते थे। आज देश सुरक्षा की अनुभूति कर रहा है, और जब सुरक्षा होती है, शांति होती है, तो प्रगति के नए अरमान हम पूरे कर सकते हैं। उसको लिए सीरियल बम धमाके का जमाना बीती हुई बात हो गई है, निर्दोषों के जो मौत होते थे वो बीते हुए कल की बात हो गई है। आज देश में आतंकी हमलों में भारी कमी आई है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है, बहुत बड़ा परिवर्तन का एक वातावरण बना है। मेरे प्यारे परिवारजनों, प्रगति के हर चीज में, लेकिन जब 2047 हम एक विकसित भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं, तब, और वो सपना नहीं, 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है, और उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा भी है, और उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है वो राष्ट्रीय चरित्र होता है। दुनिया में जिन जिन देशों ने प्रगति की है, दुनिया में जो जो देश संकटों से वो पार करके निकले हैं, उसमें हर चीज के साथ साथ एक महत्वपूर्ण कैटलिक एजेंट रहा है, वो राष्ट्रीय चरित्र रहा है, और हमें राष्ट्रीय चरित्र के लिए और बल देते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। हमारा देश, हमारा राष्ट्रीय चरित्र ओजस्वी हो, तेजस्वी हो, पुरुषार्थी हो, पराक्रमी हो, प्रखर हो, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। और आने वाले 25 साल हम एक ही मंत्र को लेकर चले, ये हमारे राष्ट्रीय चरित्र के सिरमौर होना चाहिए। एकता का संदेश, भारत की एकता को जीना, भारत की एकता को आँच आए, नैसी मेरी भाषा होगी, नैसा मेरा कोई कदम होगा। हर पल देश को जोड़ने का प्रयास मेरी तरफ से भी होता रहेगा। भारत की एकता हमें सामर्थ्य देती है, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, गांव हो, शहर हो, पुरुष हो, नारी हो, हम सबने एकता के भाव के साथ और विविधता भरे देश में एकता का सामर्थ्य होता है। और दूसरी महत्व की बात मैं देख रहा हूं, अगर 2047 में हमें हमारे देश को विकसित भारत के रूप में देखना है, तो हमें श्रेष्ठ भारत के मंत्र को जीना होगा, हमें चरितार्थ करना होगा। अब हमारे प्रोडक्शन में, मैंने 2014 में कहा था जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट, दुनिया के किसी भी टेबल पर मेक इन इंडिया चीज हो तो दुनिया को विश्वास होना चाहिए, इससे बेहतर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। ये अल्टीमेट होगा, हमारी हर चीज, हमारी सर्विसेज होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारे शब्द की ताकत होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारी संस्थाएं होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारी निर्णय प्रक्रियाएं होगी तो श्रेष्ठ होगी। ये श्रेष्ठता का भाव लेकर के हमें चलना होगा। तीसरी बात है, देश में आगे बढ़ाने के लिए एक अतिरिक्त शक्ति का सामर्थ्य भारत को आगे ले जाने वाला है, और वो है विमेन लेड डेवलपमेंट। आज भारत गर्व से कह सकता है कि दुनिया में नागरिक उड्डयन में अगर किसी एक देश में सबसे ज्यादा विमेन पायलट हैं, तो मेरे देश में है। आज चंद्रयान की गति हो, मून मिशन की बात हो, मेरी विमेन साइंटिस्ट उसका नेतृत्व कर रहे हैं। आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, मेरी 2 लाख
दो करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य लेकर के आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप पे हम काम कर रहे हैं। हम हमारी नारी शक्ति के सामर्थ्य को बढ़ावा देते हुए विमेन लेड डेवलपमेंट के, और जब G20 में मैंने विमेन लेड डेवलपमेंट के विषय को आगे बढ़ाया है तो पूरा G20 समूह इसके महत्व को स्वीकार कर रहा है, और उसके महत्व को स्वीकार कर करके वो उसको बहुत बल दे रहे हैं। उसी प्रकार से भारत विविधताओं से भरा देश है, असंतुलित विकास के हम शिकार रहे हैं। मेरा पराया का के कारण हमारे देश के कुछ हिस्से उसके शिकार रहे हैं। अब हमें रीजनल एस्पिरेशंस को, संतुलित विकास को बल देना है, और रीजनल एस्पिरेशंस को लेकर के उस भावना को हमें सम्मान देते हुए, जैसे हमारी भारत माँ का कोई, हमारा शरीर का कोई अंग अगर अविकसित रहे तो हमारा शरीर विकसित नहीं माना जाएगा। हमारा शरीर का कोई अंग दुर्बल रहे तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं माना जाएगा। वैसे ही मेरी भारत माता, उसका कोई एक भूभाग भी, समाज का कोई तबका भी अगर दुर्बल रहे तो मेरी भारत माता समर्थ है, स्वस्थ है, ऐसा बैठ करके हम नहीं बैठ सकते। और इसलिए रीजनल एस्पिरेशंस को हमने एड्रेस करने की आवश्यकता है, और इसलिए हम समाज का सर्वांगीण विकास हो, सर्वपरसी विकास हो, भूभाग के हर क्षेत्र को उसकी अपनी ताकत को खिलने का अवसर मिले, उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, भारत एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, भारत मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी भी है। भाषाएं अनेक हैं, बोलियां अनेक हैं, परिधान अनेक हैं, विविधताएं बहुत है। हमने उन सारे लोगों को, सारे को आधार पर आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे परिवारजनों, देश के, जब मैं एकता की बात करता हूं तब अगर घटना मणिपुर में होती है तो पीड़ा महाराष्ट्र में होती है, अगर बाढ़ आसाम में आती है तो बेचैन केरला हो जाता है, दुनिया हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में कुछ भी हो, हम एक अंगांगी भाव की अनुभूति करते हैं। मेरे देश की बेटियों पर जुल्म न हो, यह हमारा सामाजिक भी दायित्व है, यह हमारा पारिवारिक दायित्व भी है, और ये देश के नाते हम सबका दायित्व है। आज जब अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप को लाते हैं तो पूरा देश गौरव की अनुभूति करता है। जब आज दुनिया के किसी देश में कोविड के काल में मेरा कोई सिख भाई लंगर लगाता है, भूखों को खिलाता है और दुनिया में वाहवाही होती है तो हिंदुस्तान का सीना चौड़ा हो जाता है। मेरे प्यारे परिवारजनों, हमारे लिए जब नारी सम्मान की बात करते हैं, मुझे अभी एक देश में दौरा कर रहा था तो वहां एक बहुत ही सीनियर मिनिस्टर, उसने मुझे एक सवाल पूछा। उसने कहा, आपके यहां बेटियां साइंस और इंजीनियरिंग के विषयों की पढ़ाई करती हैं क्या? उसमें क्या था, मैंने उनको कहा, आज मेरे देश में लड़कों से ज्यादा बेटियां आज स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स अधिकतम भाग मेरी बेटियां ले रही, तो उनके लिए अचरज था। ये सामर्थ्य आज हमारे देश का देख रहा है। मेरे प्यारे परिवारजनों, आज 10 करोड़ महिलाएं विमेन सेल्फ हेल्प में जुड़ी हुई है, और विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ आप गांव में जाएंगे तो आपको बैंक वाली दीदी मिलेगी, आपको आंगनवाड़ी वाली दीदी मिलेगी, आपको दवाई देने वाली दीदी मिलेगी, और अब मेरा सपना है 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, गांव में 2 करोड़ लखपति दीदी। और इसके लिए एक नया अभिगम भेजा, साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे गांव की महिलाओं का भी सामर्थ्य देखता हूं मैं, और इसलिए हम एक नई योजना सोच रहे हैं कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे।
ड्रोन चलाने की, ड्रोन रिपेयरिंग की हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे, प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इसके कारण हमारे परिवारजनों का, मेरे प्यारे परिवारजनों, आज देश आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है। हाईवे हो, रेलवे हो, एयरवे हो, आईवेज हो, इंफॉर्मेशन वेज, वाटरवेज हो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र को आगे बढ़ाने की दिशा में आज देश काम न करता हो। पिछले 9 वर्ष में तटीय क्षेत्रों में हमने, आदिवासी क्षेत्र में, हमारे पहाड़ी क्षेत्र में विकास को बहुत बल दिया है। हमने पर्वतमाला, भारतमाला ऐसी योजनाओं के द्वारा समाज के उस वर्ग को हमने बल दिया है। हमने गैस की पाइपलाइन से हमारे पूर्वी भारत को जोड़ने का काम किया है। हमने अस्पतालों की संख्या बढ़ाई है, हमने डॉक्टर की सीटें बढ़ाई है ताकि हमारे बच्चे डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सके। हमने मातृभाषा में पढ़ाने पर बल दिया है, अब मातृभाषा में वो पढ़ाई कर सके उस दिशा में। और मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करता हूं कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो जजमेंट देंगे उसका जो ऑपरेटिव पार्ट होगा वो जो अदालत में आया है उसकी भाषा में उसको उपलब्ध होगा। मातृभाषा का महात्मा आज बढ़ रहा है। मेरे प्यारे भाई परिवारजनों, आज तक हमारे देश के जो बॉर्डर विलेज हैं, हमने वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज का एक कार्यक्रम शुरू किया है और वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज अब तक इसके लिए कहा जाता था देश के आखिरी गांव, हमने उस पूरी सोच को बदला है, वो देश का आखिरी गांव नहीं है। सीमा पर जो नजर आ रहा है वो मेरे देश का पहला गांव है। अगर सूरज उगता है पूरब में तो उस तरफ के गांव में पहली सूरज की किरण आती है, अगर सूरज ढलता है तो इस तरफ के गांव में आखिरी किरण उसका लाभ मिलता है। ये मेरे पहले गांव है और मुझे खुशी है कि आज मेरे इस कार्यक्रम के विशेष मेहमान ये जो पहले गांव है, सीमावर्ती गांव है, उसके 600 प्रधान आज इस लाल किले की प्राचीर के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आए। पहली बार वो इतनी दूर तक आए हैं, नए संकल्प और सामर्थ्य के साथ जुड़ने के लिए आए हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, हमने संतुलित विकास के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक की कल्पना की और आज उसके सुखद परिणाम मिल रहे हैं। आज राज्य के जो नॉर्मल पैरामीटर्स हैं, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कभी बहुत पीछे थे, वो आज राज्य में भी अच्छा करने लग गए हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये हमारे आकांक्षी जिले, हमारे आकांक्षी बोल अवश्य आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा था, भारत का चरित्र की चर्चा कर रहा था तो मैंने पहला कहा था भारत की एकता, दूसरा कहा था भारत श्रेष्ठता की तरफ बल दें, तीसरा कहा था विमेन लेड डेवलपमेंट की मैंने बात कही थी। और मैं आज एक बात और कहना चाहता हूं कि हम जैसे रीजनल एस्पिरेशन, मैंने चौथी बात कही थी, पांचवी महत्व की बात और भारत ने उस दिशा में जाओ और वो है हमारा राष्ट्रीय चरित्र विश्व मंगल के लिए सोचने वाला होना चाहिए। हमें देश को इतना मजबूत बनाना है जो विश्व मंगल के लिए भी अपनी भूमिका अदा करे। और आज कोरोना के बाद मैं देख रहा हूं जिस प्रकार से संकट की घड़ी में देश ने दुनिया की मदद की, उसका परिणाम है कि आज दुनिया में हमारा देश एक विश्व मित्र के रूप में है। विश्व का
अटूट साथी के रूप में आज मेरे देश की पहचान बनी है। हमें जब विश्व मंगल की बात करते हैं तब भारत का मूलभूत विचार है, उस विचार को हम आगे बढ़ाने लोग हैं। और मुझे खुशी है कि आज अमेरिकी संसद के भी कई चुने हुए के लिए दुनिया के सामने कहा है, वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर इस सोच को लेकर के चल रहे हैं। हमने क्लाइमेट को लेकर के दुनिया जो संकट से जूझ रही है हमने रास्ता दिखाया है, लाइफ मिशन लॉन्च किया है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। हमने दुनिया के सामने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया और आज दुनिया के कई देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा बन रहे हैं। हमने बायोडायवर्सिटी का महत्व देखते हुए बिग कैट अलायंस की व्यवस्था को हमने आगे बढ़ाया है। हमने प्राकृतिक आपदा के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान होता है उसके लिए दूरगामी व्यवस्थाओं की जरूरत है और इसलिए कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI एक समाधान के रूप में दुनिया को दिया है। विश्व आज समुद्रों को संघर्ष का केंद्र बना रहा है, तब हमने दुनिया को सागर का प्लेटफॉर्म दिया है जो वैश्विक समुद्रिक शांति की गारंटी बन सकता है। हमने पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बल देते हुए WHO का एक ग्लोबल लेवल का सेंटर हिंदुस्तान में बनाने की दिशा में काम किया है। हमने योग और आयुष के द्वारा विश्व कल्याण और विश्व के स्वस्थता की दिशा में काम किया है और आज भारत विश्व मंगल की मजबूत नींव डाल रहा है। इस मजबूत नींव को आगे बढ़ाना हम सबका काम है, हम सबकी जिम्मेवारी है। मेरे प्यारे परिवारजनों, सपने अनेक है, संकल्प साफ है, नीतियां स्पष्ट है, नियत के सामने कोई सवाल या निशान नहीं है, लेकिन कुछ सच्चाइयों को हमें स्वीकार करना पड़ेगा और उसके समाधान के लिए मेरे प्रिय परिवारजनों, मैं आज लाल किले से आपकी मदद मांगने आया हूं। मैं लाल किले से आपके आशीर्वाद मांगने आया हूं क्योंकि पिछले सालों मैंने देश को जो समझा है, देश की आवश्यकताओं को जो मैंने परखा है और अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं कि आज गंभीरता पूर्वक उन चीजों को हमें लेना होगा। आजादी के अमृत काल में 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा उस समय दुनिया में भारत का तिरंगा झंडा विकसित भारत का तिरंगा झंडा होना चाहिए। रत्ती भर भी हमें रुकना नहीं है, पीछे नहीं हटना है और इसके लिए सुचिता पारदर्शिता और निष्पक्षता ये पहली मजबूती की जरूरत है। हमें उस मजबूती को जितना ज्यादा खाद पानी दे सकते हैं, संस्थाओं के माध्यम से दे सकते हैं, नागरिक के नाते दे सकते हैं, परिवार के नाते दे सकते हैं, ये हमारा सामूहिक दायित्व होना चाहिए। और इसलिए पिछले 75 साल का इतिहास देखिए, भारत के सामर्थ्य में कोई कमी नहीं थी। अरे जो देश कभी सोना की चिड़िया कहा जाता था वो देश क्यों न फिर से उस सामर्थ्य को लेकर के खड़ा हो सकता है। मेरा अटूट विश्वास है साथियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, मेरा अखंड अटूट एक निष्ठ विश्वास है कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, मेरा देश
विकसित भारत बन के रहेगा। और ये मैं मेरे देश के सामर्थ्य के आधार पर कह रहा हूं, मेरे उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कह रहा हूं, और सबसे ज्यादा 30 से कम आयु वाली मेरी युवा शक्ति के भरोसे कह रहा हूं, मेरी माताओं बहनों के सामर्थ्य के भरोसे कह रहा हूं। लेकिन उसके सामने अगर कोई रुकावट है, कुछ विकृतियां पिछले 75 साल में ऐसे घर कर गई है, हमारी समाज व्यवस्था का ऐसा हिस्सा बन गई है कि कभी कभी तो हम आंख भी बंद कर देते हैं। अब आंख बंद करने का समय नहीं है। अगर सपनों को सिद्ध करना है, संकल्प को पार करना है, तो हमें ये आंख मिचोली बंद करके, आंख में आंख मिला करके तीन बुराइयों से लड़ना बहुत समय की मांग है। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दीमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया है। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है, ये मेरे अभिव्यक्त व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए हैं, तहस नहस कर दिया है इन लोगों ने। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, हमें इन तीन बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, ये चुनौतियां हमारे, ये ऐसी चीजें पनपी है जो हमारे देश के लोगों का जो आकांक्षा है उसका दमन करती है, हमारे देश के कुछ लोगों के पास जो छोटा मोटा सामर्थ्य है उसका शोषण करती है। ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे लोगों की आशा आकांक्षाओं को सवाल या निशान में गाड़ देती है। हमारे गरीब हो, हमारे दलित हो, हमारे पिछड़े हो, हमारे पसमांदा हो, हमारे आदिवासी भाई बहन हो, हमारी माताएं बहनें हो, हमने सबने उनके हकों के लिए इन तीन बुराइयों से मुक्ति पानी है। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नफरत का माहौल बनाना है। जैसे गंदगी हमें नफरत पैदा करती है ना, मन में गंदगी पसंद नहीं है, ये सार्वजनिक जीवन की इससे बड़ी कोई गंदगी नहीं हो सकती। और इसलिए हमारे स्वच्छता अभियान को एक नया मोड़ ये भी देना है कि हमें भ्रष्टाचार से मुक्ति पानी है। सरकार टेक्नोलॉजी से भ्रष्टाचार की मुक्ति के लिए बहुत प्रयास कर रही है। आपको जानकर के हैरानी होगी, इस देश में पिछले 9 साल में एक काम मैंने ऐसे किया, आंकड़ा सुनोगे तो लोगों का मोदी ऐसा करता है जैसे 10 करोड़ लोग करीब करीब जो गलत फायदा उठाते थे वो मैंने रोक दिया। तो आप में से कोई कहेगा आपने लोगों से अन्याय कर दिया। जी नहीं, ये 10 करोड़ कौन लोग थे? ये 10 करोड़ वो लोग थे जिनका जन्म ही नहीं हुआ था और उनके नाम पर उनके वीडियो हो जाते थे, वो वृद्ध हो जाते थे, वो दिव्यांग हो जाते थे, फायदे लिए जाते थे। 10 करोड़ ऐसे बेनामी जो चीजें चलती थी उसको रोकने का पवित्र काम भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जो हमने जब्त की है ना, वो पहले की तुलना में 20 गुना ज्यादा की है। मेरे प्यारे
परिवारजनों, ये आपकी कमाई का पैसा लोग लेकर के भागे थे, 20 गुना ज्यादा संपत्ति को जब्त करने का, और इसलिए लोगों की मेरे प्रति नाराजगी होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। हमारे सरकारी व्यवस्था ने पहले कैमरा के सामने तो कुछ हो जाता था, लेकिन बाद में चीजें अटक जाती थी। हमने पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा अदालत में चार्जशीट की है, और अब जमानतें भी नहीं मिलती हैं। वैसी पक्की व्यवस्था को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज परिवारवाद और तुष्टिकरण, इसने देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य किया है। अब लोकतंत्र में ये कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी, और मैं विशेष बल दे रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी, आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती। और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए, परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं, योग्यता को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं, और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हर किसी को हक मिले इसलिए, और सामाजिक न्याय के लिए भी ये बहुत उसी प्रकार से तुष्टिकरण ने सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा नुकसान किया। अगर सामाजिक न्याय को तबाह किसने किया है तो ये तुष्टिकरण की सोच, तुष्टिकरण की राजनीति, तुष्टिकरण का सरकारी योजनाओं का तरीका, इसने सामाजिक न्याय को मौत के घाट उतार दिया है। और इसलिए हमें तुष्टिकरण, भ्रष्टाचार, ये विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर देश विकास चाहता है, देश 2047 विकसित भारत का सपना साकार करना चाहता है, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम किसी भी हालत में देश में भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे। इस मूड को लेकर के चलना चाहिए। मेरे प्यारे परिवारजनों, हम सबका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व है। आपने जिस प्रकार से जिंदगी जी है, हमारे आने वाली पीढ़ी को ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर करना, ये हमारा गुनाह है। ये हमारा दायित्व है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को हम ऐसा समृद्ध देश दें, ऐसा संतुलित देश दें, ऐसा सामाजिक न्याय की धरोहर वाला देश दें, ताकि छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए उन्हें कभी भी संघर्ष न करना पड़े। हम सभी का कर्तव्य, हर नागरिक का कर्तव्य है, और ये अमृत काल कर्तव्य काल है। हम कर्तव्य से पीछे नहीं हो सकते। हमें वो भारत बनाना है जो पूज्य बापू के सपनों का था। हमें वो भारत बनाना है जो हमारे स्वतंत्र सेनानियों का सपना था। हमें वो भारत बनाना है जो हमारे वीर शहीदों का था, हमारी वीरांगनाओं का था, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना जीवन दे दिया था। मेरे प्यारे परिवारजनों, मैं जब 2014 में आपके पास आया था, तब 2014 में मैं परिवर्तन का वादा लेकर के आया था। 2014 में मैंने आपको वादा किया था मैं परिवर्तन लाऊंगा, और 140 करोड़ मेरे परिवारजन, आपने मुझ पर भरोसा किया और मैंने विश्वास पूरा करने की कोशिश की।
रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म, वो 5 साल जो वादा था वो विश्वास में बदल गया, क्योंकि मैंने परिवर्तन का वादा किया था रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म के द्वारा, मैंने इस वादे को विश्वास में बदल, अभूतपूर्व विकास के हैं, 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है, और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। मेरे प्यारे प्रियजनों, मेरे परिवारजनों, मैं आप में से आता हूं, मैं आपके बीच से निकला हूं, मैं आपके लिए जीता हूं, अगर मुझे सपना भी आता है तो आपके लिए आता है, अगर मैं पसीना भी बहाता हूं तो आपके लिए बहाता हूं, क्योंकि इसलिए नहीं कि आपने मुझे दायित्व दिया है, मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप मेरे परिवारजन हैं, और आपके परिवार के सदस्य के नाते मैं आपके किसी दुख को देख नहीं सकता हूं, मैं आपके सपनों को चूर चूर होते नहीं देख सकता हूं, मैं आपके संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए आपका एक साथी बन करके, आपका एक सेवक बन करके, आपके साथ जुड़े रहने का, आपके साथ जीने का, आपके लिए जूझने का मैं संकल्प लेकर के चला हुआ इंसान हूं, और मुझे विश्वास है हमारे पूर्वजों ने आजादी के लिए जो जंग लड़ा था, जो सपने देखे थे, वो सपने हमारे साथ है, आजादी के जंग में जिन्होंने बलिदान दिया था उनके आशीर्वाद हमारे साथ है, और 140 करोड़ देशवासियों को एक ऐसा अवसर आया है, ये अवसर हमारे लिए एक बहुत बड़ा संबल लेकर के आया है, और इसलिए मेरे प्यारे प्रियजनों, आज जब मैं अमृतकाल में आपके साथ बात कर रहा हूं, यह अमृतकाल का पहला वर्ष है, यह अमृतकाल के पहले वर्ष पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं आपको पूरे विश्वास से कहना चाहता हूं, चलता चलाता काल चक्र, चलता चलाता काल चक्र, अमृत काल का भाल चक्र, चलता चलाता काल चक्र, अमृत काल का भाल चक्र, सबके सपने अपने सपने, सबके सपने अपने सपने, पनपे सपने सारे, सबके सपने अपने सपने, पनपे सपने सारे, धीर चले वीर चले, चले युवा हमारे, धीर चले वीर चले, चले युवा हमारे, नीति सही रीति नहीं, नीति सही रीति नहीं, गति सही राह नहीं, चुनो चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का नाम, चुनो चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का नाम। मेरे प्यारे परिवारजन, हिंदुस्तान के कोने कोने में बैठे हुए मेरे परिवारजन,
दुनिया के कोने कोने में जाकर के बसे हुए मेरे परिवारजन, आप सबको आजादी के पावन पर्व की फिर एक बार मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये अमृतकाल हम सबके लिए कर्तव्य काल है। ये अमृतकाल हम सबको मां भारती के लिए कुछ कर गुजारने का काल है। आजादी का जब जंग चल रहा था 1947 के पहले, जो पीढ़ी ने जन्म लिया था उन्हें देश के लिए मरने का मौका मिला था। वो देश के लिए मरने के लिए मौका नहीं छोड़ते थे, लेकिन हमारे नसीब में देश के लिए मरने का मौका नहीं है। लेकिन हमारे लिए देश के लिए जीने का ये इससे बड़ा कोई अवसर नहीं होता। हमें पल पल देश के लिए जीना है। इसी संकल्प के साथ इस अमृतकाल में 140 करोड़ देशवासियों के सपने संकल्प भी बनाने हैं। 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को सिद्धि में भी परिवर्तित करना है। और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। इसी विश्वास के साथ, इसी संकल्प के साथ मैं आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। Prime Minister Modi sharing with the people his government's achievements and milestones and outlining future initiatives.